नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं रवीश पाल सिंह आज आपको बताने जा रहा हूं कि जिस कृषि कानून को लेकर दिल्ली में बवाल हो रहा है, उसी कृषि कानून के तहत मध्य प्रदेश में किसानों को छटपट न्याय मिल गया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं होशंगाबाद के कुछ किसानों की। वो किसान जिन्हें कॉन्ट्रैक्ट तय हो जाने के बावजूद निजी कंपनी उनका धान नहीं उठा रही थी, उन किसानों को नए कृषि कानून के तहत झटपट न्याय दिलवाया है मध्य प्रदेश सरकार ने और स्थानीय एसडीएम ने। क्या है पूरा मामला और कैसे जिस नए कृषि कानून पर दिल्ली में किसान आंदोलन हो रहा है, उसी कृषि कानून के तहत मध्य प्रदेश में कैसे किसानों को फायदा हुआ, वो पूरी बात मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले जरा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ये ट्वीट देखिए, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर उदाहरण दिया है होशंगाबाद के इस मामले का। और इस ट्वीट में उन्होंने बताया भी है कि कैसे जो होशंगाबाद के किसान हैं, उनसे कॉन्ट्रैक्ट हो जाने के बावजूद निजी कंपनी उच्चतम मूल्य पर उनसे धान नहीं ले रही थी। एसडीएम ने उन्हें निर्देश दिया है कि वो किसानों से उच्चतम मूल्य पर धान ले, और इसके साथ ही कांग्रेस पर निशाना साधा है कि कांग्रेस किसानों का इस्तेमाल न करे अपनी राजनीतिक रोटी सेंकने के लिए, क्योंकि किसान कानून किसानों के हित में है, ये जो कृषि कानून आया है, और जो भी इसमें गड़बड़ी करेगा उससे सख्ती से निपटा जाएगा। यही ट्वीट मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी किया है। अब आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। दरअसल देश में इस वक्त जो किसान आंदोलन चल रहा है, उसमें जो मुख्य एजेंडा है, जो मुख्य मांग है किसानों की, वो यही है कि हमारी उपज एमएसपी पे हमें मिले, एमएसपी आगे चल के खत्म हो जाएगी, ऐसा किसानों को डर है। सरकार बार बार कह चुकी है ऐसा नहीं होगा। किसानों को इस बात का भी डर है कि अगर उनके साथ व्यापारी धोखा करते हैं तो फिर वो न्यायपालिका की मदद या फिर कानून की मदद ले भी सकेंगे या नहीं। किसानों को डर है कि वो ऐसा नहीं कर सकेंगे। लेकिन मध्य प्रदेश में बिल्कुल इसका उलट हुआ। सरकार बार बार जो बात कह रही है वो साबित हुआ है कि कैसे इस नए कृषि कानून के तहत किसानों से जब उच्चतम मूल्य पर उनकी धान नहीं ली गई तो उन्होंने स्थानीय एसडीएम का दरवाजा खटखटाया। पिपरिया एसडीएम नितिन टाले ने जब मामला देखा, गंभीर दिखा, तो उन्होंने निजी कंपनियों के जो प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं उन्हें बुलाया और 24 घंटे के भीतर किसानों की उपज यानी उनका धान जो 3000 रुपए प्रति क्विंटल बिकना चाहिए था और निजी कंपनी से नहीं ले रही थी, निजी कंपनी को आदेश दिया है कि वो 3000 रुपए प्रति क्विंटल की दर से ही धान खरीदेंगे इन किसानों से। जाहिर सी बात है, किसानों को अब तक इस बात का डर सता रहा था कि इस कानून के आ जाने के बाद यदि उनके साथ निजी कंपनी के व्यापारी या बाहर के व्यापारी कोई गड़बड़ करते हैं तो वो किसकी मदद लेंगे। लेकिन इस नए कृषि कानून के तहत कार्रवाई करते हुए महज 24 घंटे में किसानों को उनकी उपज का सही दाम और उन्हें न्याय दिलवाया गया है होशंगाबाद के पिपरिया में। और बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश में पहला ये मामला है नए कृषि कानून के तहत जहां किसानों को न्याय दिलाया गया और किसानों की जो समस्या थी उसे 24 घंटे के भीतर दूर कर दिया गया। जाहिर सी बात है, मध्य प्रदेश सरकार इस पर अपनी पीठ थपथपा रही है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस पर हमला करने का एक और मौका मिल गया है कि कैसे कृषि कानून के नाम पर कांग्रेस और तमाम विरोधी दल अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं।